खबरें विस्तार से। बदायूं जिले के थाना मुसा झा के एक गांव में मां बेटी को घर में अकेला देख गांव के तीन युवक रात करीब 12 बजे घर में घुस गए और पीड़िता की मां को तमंचे के बल पर बंधक बनाकर पीड़िता का अपहरण कर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। गैंगरेप की वारदात को अंजाम देकर आरोपी पीड़िता को बेहोशी की हालत में गाँव के एक स्कूल में छोड़कर फरार हो गए। जिले के थाना मुसा झा के एक गांव निवासी लवनाम के युवक ने अपने दो साथियों के साथ घर में घुसकर पहले पीड़िता की मां को तमंचे के बल पर बंधक बनाया और पीड़िता के मुंह में कपड़ा ठूस कर उठा कर ले गए और गांव के ही एक स्कूल में ले जाकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। गैंगरेप के बाद तीनों आरोपी पीड़िता को बेहोशी की हालत में छोड़कर फरार हो गए। पीड़िता ने लवनाम के आरोपी की पहचान कर ली है। पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर लव व दो अज्ञात पर गैंग रेप का मामला दर्ज कर लिया गया है। पीड़िता के परिजनों का कहना है कि घटना के वक्त मां बेटी अकेली थी, घर के सभी लोग कांवड़ यात्रा में गए हुए थे। सर पेशाब करने के लिए वहां लौंडा पर गए तीन, उसने एक ने मां को बंदूक लेके वहां घेर लिया था घाट पे, उसने कही अगर आवाज लगाऊंगी तो फायर मार देंगे, मैं घर पे नहीं थे सर। वो तीनों लोग क्या काम किया, एक ने वहां डाल दिया मां को पकड़ रखा और ये दो लड़के चले आए वहाँ से, जब बहन को आवाज लगाई तो मुंह बंद कर दिया और ले चले आए थे और बलात्कार कर दिया साहब तीनों ने। तो पकड़ा गया कोई? हाँ पकड़ा गया, लंकुश नाम का पकड़ा गया सर। तो जो है अज्ञात है, वो दोनों मुंह बंद थे, उनके जांच नहीं कर पाई कौन लोग थे, वो ही बताएगा लंकुश नाम का। एक गाँव ये मुसाजाग थाना क्षेत्र में एक गाँव है, उसमें से एक लड़की को रात में, उनका कहना है कि रात को उसे घर से एक स्कूल, जो गाँव में स्कूल है उसमें ले गए थे और वहाँ उसके एक परिचित है पहले से, उसके साथ गई थी। वहाँ पे बताया जा रहा है दो लोग और आ गए और इन लोगों ने इसके साथ बलात्कार किया है, ये लोग रिपोर्ट लिखा रहे हैं। लड़की को मेडिकल के लिए भेज दिया गया है और मुकदमा कायम कर दिया गया है, अभी उसमें तलाश की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है। सर इसमें तीन लोगों का गैंगरेप? हाँ लड़की तीन लोगों को बताया है और घर से बता रहे हैं कि वो घर से लड़की को लेके गया था। लड़की नाबालिग है? लड़की नाबालिग है।